नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके सामने हाजिर हुए हैं फिर से एक बार, हमारे दो बहुत ही मेहनती स्टूडेंट जो अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैरों पे अपने कदमों में खड़े होकर जमाने को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जो हमारे पास में सीवान जो कि बिहार में एक बहुत ही फेमस जगह है, वहां से आके हमारे पास वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लिए थे। आज उनका थ्योरी, उनका प्रैक्टिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने उनका जॉब का भी लाइनअप कर दिया है और ये बहुत सेटिस्फाइड है, खुश है। आज उनका एक छोटा सा फेयरवेल है, विदाई का समय है, बड़ा ही दुखदाई होता है, अफसोस होता है बिछड़ने के वक्त, लेकिन अगर हमेशा हमारे पास रहेंगे तो जॉब नहीं कर पाएंगे। तो आज बहुत खुशी है कि इन दोनों का जॉब लग गया, जो कि सीवान बिहार से आके हमारे पास एक्सकावेटर के लिए एडमिशन लिए थे, तो आज हम इन दोनों का जॉब भी लगा चुके हैं अल्लाह के करम से। दोनों को सम्मानित करेंगे और जानेंगे कि हमारे पास से ट्रेनिंग लेने के बाद इन लोगों को कैसा लगा। तो आइए, सबसे पहले मैं अपने एक स्टूडेंट जिनका नाम इब्ने है, इब्ने ये आपका सर्टिफिकेट है और एक छोटा सा प्यार भरा तोहफा हमारे तरफ से आपके लिए। हमारे दूसरे स्टूडेंट जिनका नाम प्रिंस है जो कि बिहार से आए हैं, उनको भी ये सर्टिफिकेट और फूल के बुके से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस। तो आइए, इन दोनों स्टूडेंट से जानते हैं कि जब सीवान से ये जमशेदपुर आने का प्रयास किए, कोशिश किए, तो सीवान से लेके जमशेदपुर तक का सफर और ट्रेनिंग थ्योरी प्रैक्टिकल का सफर कैसा रहा, पूरे तौर पे टोटलिटी में इनको थ्योरी प्रैक्टिकल करने से कैसा अनुभव हुआ, हम खुद स्टूडेंट से जानेंगे। हमारे जो पहले स्टूडेंट है उनका नाम है इब्ने हसन, जो सीवान बिहार से है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। इब्ने, दर्शकों को बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इब्ने हसन है और मैं सीवान जिले से हूँ और मेरे पापा का नाम मोहम्मद गुलाम सरोवर अंसारी है। आपको यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल और क्लास कैसा लगा, अच्छे से थ्योरी पढ़ाया गया? बहुत अच्छा से सर ने हमको थ्योरी कराए हैं और प्रैक्टिकल भी हुआ है। अच्छा, हाथ में गाड़ी चलाने को मिली आपको? बिल्कुल, हाथ में गाड़ी चलाने को मिला है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि गाड़ी बस खड़ी थी, हम लोगों ने दिखा दिया आपको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग ने एक एक घंटा चलाए हैं। बहुत अच्छे से गाड़ी चलाया, ऑपरेटर बन गए हैं, आपको कॉन्फिडेंस आया है ट्रेनिंग लेने के बाद? पूरा अपने पे कॉन्फिडेंस है कि हम चला सकते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप वेलफेयर इंस्टीट्यूट के बारे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि जमशेदपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपको अगर आना है तो वेलफेयर इंस्टीट्यूट में आइए और हमारे तरह बन के जाइए। चलिए, आपको हम लोगों ने जॉब भी लगा दिया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जॉब में जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी दर्शकों पे एक लाइन कहता चलूं कि अगर कामयाबी चाहिए तो वेलफेयर इंस्टीट्यूट ही आइए। आइए मिलते हैं हमारे दूसरे स्टूडेंट से, इनका नाम है प्रिंस जो कि ये भी सीवान से आए हैं, बिहार से आए हैं। मिस्टर प्रिंस, सीवान से आने के बाद, वेलफेयर इंस्टीट्यूट में सीवान से आने के बाद आपको कैसा लगा, दर्शकों को बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार पांडे है, मेरे पिताजी का नाम रविशंकर पांडे है और हमको सीवान से आने के बाद सबसे अच्छा लगा यहाँ का जो थ्योरी वाले सर हैं रितेश सर, वो बहुत बढ़िया से थ्योरी डायग्राम बना कर पढ़ाते हैं और जो सर जिस तरह मैम लोग बताई थी कि आप आइए और प्रैक्टिकल में जाने के बाद आपको गाड़ी हाथ में मिलेगी, उसी तरह हम लोग एक घंटा प्रैक्टिकल में जाने के बाद हाथ में गाड़ी मिली, ऐसा नहीं कि दिखा दिया गया और आपका प्रैक्टिकल हो गया। और सबसे पहले हम अपने मतलब यहाँ के थ्योरी और प्रैक्टिकल से पूरी तरह से आप सर्टिफाइड हैं? जी सर, हम यहाँ के थ्योरी और प्रैक्टिकल से पूरी तरह से सर्टिफाइड हैं और हम सबसे पहले अपने डायरेक्टर सर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके चलते आज हम लोग का जॉब लग चुका है। कितनी सैलरी मिल रही है आपको प्लीज? हमको कलकत्ता में जॉब सर के चलते कलकत्ता में जॉब लगा है, जो 12,000 रुपया सैलरी है, रहना खाना और रूम कंपनी का है और सर का, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ कुछ चाहने से जिंदगी में नहीं होता है, जैसे ये सीवान से जमशेदपुर आए, अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल में ख्वाहिश आगे बढ़ने की, तो गर्मी को गर्मी नहीं समझे, बरसात को बरसात नहीं समझे, ठंडे को ठंडा नहीं समझे, दूरी को दूरी नहीं समझे, जिसके अंदर चाहत होती है आगे बढ़ने की उसके लिए दूरी मैटर नहीं करती है। जैसे ये आज आए ट्रेनिंग लिए, इनकी नौकरी लग गई, इंशाल्लाह आप सभी की भी नौकरी लगेगी और आप सभी का साथ होगा तभी देश का विकास होगा। आप तरक्की करेंगे तभी देश तरक्की करेगा और आपके तरक्की करने से आपकी परिवार तरक्की करती है, आपका लाइफ अच्छा होता है, आपके परिवार वालों का लाइफ अच्छा होता है। तो फाइनली प्रिंस, आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे इंस्टीट्यूट के बारे? हम तो यही सलाह देंगे कि यहाँ पर बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगर आपको आना है तो वेलफेयर इंस्टीट्यूट ही आइए और मेरे जो डायरेक्टर सर हैं उनसे एक बार मिलिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा और यही हम तो चाहेंगे कि वेलफेयर ही इंस्टीट्यूट आइए। चलिए, इतने प्यारे प्यारे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ का व्यवहार, मैडम वगैरह का व्यवहार वगैरह कैसा लगा आपको? मैडम और सर का व्यवहार हमको सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे जितने दिन आप थे, दर्शकों को बताइए, रहने खाने में किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? जितने दिन हम यहाँ पर थे और रहने खाने किसी चीज का हमको दिक्कत नहीं हुआ और हमारे डायरेक्टर सर है, हम लोग एक फोन करने पर बहुत कॉपरेट करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। पिछले 12 सालों से हम लोग देश की सेवा में है, जनता की सेवा में, स्टूडेंट्स की सेवा में है
और हमेशा सेवा को हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। इसी तरह के अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो और इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे टिक कीजिए और देश के हित के लिए इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। काम सिखाइए देश को, काम पे लगाइए देश को, ताकि हमारे देश भारत से बेरोजगारी नाम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। देश के हित के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।